hi, and what's up, guys? And welcome to my channel, It's Sharon. तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में फिर से आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दो चीरफाड़ धमाकेदार फाड़ू और मसालेदार और मतलब मस्त प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, जो कि गाइस डेली यूज के लिए घर में यूज होने वाली बहुत ही मस्त चीज होने वाली है। दो ही प्रोडक्ट दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखाने का क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो मेरी कोई देखता भी नहीं और मेरा चैनल का बड़ा भी नहीं है, तो दो दिखाऊंगा पर लेकिन ऐसे दिखाऊंगा कि मजा ही आ जाएगा देख के। यार क्या प्रोडक्ट दिखाए यार इस अनबॉक्सर लौंडे ने, तो देखो फटाफट से शुरू करो देखना। स्वाद का जो हमारा पहला और फर्स्ट और नंबर एक प्रोडक्ट होने वाला है वो है ये एक मिनट, वो है ये। तो गाइस ये है हमारा आज का पहला प्रोडक्ट। तो गाइस जो ये चीज है हमारी वो है सोलर मोशन सेंसर लाइट। तो गाइस ये सोलर से चार्ज होने वाली आदमियों को सेंस करने वाली लाइट है जो सोलर से चार्ज होगी और आदमियों को सेंस करके जल जाएगी। तो गाइस सबसे पहले मैं इसे अनबॉक्स करने से पहले इसका सबसे पहले प्राइस बता देता हूँ क्योंकि सभी लोग प्राइस जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि है कितने की है जो अनबॉक्स करके दिखा रहा है। तो गाइस इसका प्राइस है 350 रुपये, मतलब 350 रुपये में आपको मिल जाएगी सोलर मोशन सेंसर लाइट। तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या मौजूद है। मैं सोच रहा था 350 रुपये काफ़ी बड़ी लाइट आएगी पर लेकिन एक्चुअली में ये जो लाइट है ये तो देखने में बहुत ही ज़्यादा छोटी सी लग रही है, मतलब इतनी सी लाइट है 350 रुपये की, पर लेकिन गाइज सोलर से चार्ज होने वाली मोशन को सेंस करने वाली लाइट है क्या आप, तो इस वजह से ज़्यादा प्राइस है। तो चेक करेंगे तो जब जाकर पता लगेगा कि वर्क कैसा कर रहा है। तो गाइज अब मेन बात आती है हमारी इस लाइट की। तो गाइज इस लाइट की बात करें तो इसके अंदर गाइज एक चीज़ मिली है मुझे जो कि मैं हमेशा करने की सोचता था, सब अनबॉक्सर इस चीज़ को करते बड़े यूं करते थे आहा बड़ा मजा आ रहा है। Seriously? तो गाइज आज मुझे वो मौका मिल गया, इसके ऊपर एक पिन्नी लग रही है। तो गाइज सुनिए, वाह 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 चमकता हुआ सोलर पैनल। तो गाइस लाइट के अंदर हमें मिल रहे हैं दो स्विचेस, एक स्विचेस ब्लैक वाला एक और एक मिल रहा है कुछ व्हाइट कलर का जो स्विच नहीं है जो शायद मोशन सेंसर होगा। और गाइस ये ऊपर हमें मिल रहा है इसके सोलर पैनल और नीचे लगी हुई हमारी 20 LED लाइट्स इसके ऊपर। तो गाइस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइट रहेगी घर के अंदर जब हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भी बचाना है, अपने बिल को भी बचाना है, अपने पैसों को भी बचाना है, हर चीज़ को बचाना है। तो गाइस ये लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो चलिए अब इसका यूज़ करके देखते हैं, इसे टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी वर्क कर रही है। A few minutes later. तो पहले इसका मैं टेस्ट रोशनी के अंदर ही करके दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क कर रही है लाइट। तो गाइस इसका जो बटन है सबसे पहले इसके ऊपर हाथ रखे, इस पर दाबना होगा। तो ये हो गया स्टार्ट, शायद स्टार्ट हो गई होगी, रख के देखते हैं। तो अभी नहीं हुई, तो अब हाँ अब हो गई गाइस स्टार्ट। ये तो गाइस ये रोशनी एक वजह से इसका बटन बार बार दाबना पड़ रहा है क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर पा रही क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा है। अब मैं हाथ रखूँगा अच्छे से दाब के, जब ही जलेगी ये। तो देखो इस तरीके से जल गई, हाथ रखने में बिल्कुल अंधेरा हो रहा है इसके ऊपर, जब ही जाके जल रही है। मेन टेस्ट तो हम इसका अब अंधेरे में करके देखते हैं कि इस तरीके से वर्क कर रही है। A few moments later. तो चलो गाइस अब इसे फाइनल टेस्ट करने का टाइम आ गया, मैं थोड़ी सी अंधेरी सी जगह पे आ गया, यहाँ पे अब आराम से दिखने वाली है किस तरीके से वर्क करी। तो इसका पहले बटन प्रेस करता हूँ। तो गाइस ये ऑन हो चुकी है, मतलब यहाँ पे डार्क है, इस डार्क कंडीशन में भी ऑन हो रही है, मतलब कि इतनी कंडीशन इसे चाहिए ऑन होने के लिए। तो गाइस इतनी कंडीशन में भी आराम से ऑन हो रही है। चलो इसे अब असली टेस्ट करते हैं, लाइट बंद करके देखते हैं इसकी ब्राइटनेस। देखो काफ़ी अच्छी आ रही है ब्राइटनेस, तो दूर दूर तक जैसे हम देख पा रहे होंगे। तो गाइस ये देखो कुछ इस तरीके की इसकी ब्राइटनेस आ रही है, मतलब फुल ब्राइटनेस दे रही है काफ़ी अंधेरे में, मतलब इसने काफ़ी रोशनी कर दी इस तरह बुझ गई। अब मैं इसके पास जाता हूँ थोड़ा सा, तो देखो अपने आप ऑन हो जाएगी जैसे थोड़ा पास जाऊँगा मैं बिना टच करे। जैसे देखो गाइस मोशन डिटेक्ट करा इसने और अपने आप ये ऑन हो गया, मैं दूर जा रहा हूँ। तो गाइस 10 सेकंड बाद, 10 से 15-20 सेकंड में जितना भी टाइम लेती है उतने में बंद हो जाएगी जब इसे मोशन डिटेक्ट नहीं होगा। तो चलो गाइस अब मैं इसके थोड़ा सा पास जाता हूँ और देखो किस तरीके से ऑन होने वाली। तो अब जो हमारी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग आ रही है आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, आपके घर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम दोनों ही चीज फायदेमंद दिखा रहे हैं आपके लिए, आपके घर के लिए और मतलब फायदेमंद दिखा रहे हैं। तो वो नेक्स्ट चीज है हमारी ऊपर से आने वाली है, वो है ये। यस कुछ भी ये है गाइज वो अनबॉक्सिंग, ये डब्बा जिसके अंदर वो सामान रखा हुआ है वो है गाइज हमारी मिरर वॉल स्टिकर। तो गाइज ये है हमारे से मिरर वॉल स्टिकर। तो गाइज बेसिकली ये हमारे मिरर हैं, मतलब कार्डबोर्ड टाइप के मिरर हैं
जो कि मैंने खरीदे हैं, प्राइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हैं गाइस 400 रुपये के, मतलब 400 रुपये का मुझे ये मिरर स्टिकर हैं, जिनमें हमें 31 वॉल स्टिकर मिले हैं कुछ इस शेप और साइज़ के। इनके साथ मिल रही हैं गाइस मिरर टाइप की ही बटरफ्लाई, जो कि डेकोरेट करने में मदद करेंगी। तो गाइस ये कुछ इस तरीके के हमारे मिरर वॉल स्टिकर हैं, बहुत सारे हैं, 31 आए हैं गाइस। तो मतलब ये घर में डेकोरेशन के लिए काम आते हैं, डेकोरेट करने के लिए। इसके ऊपर पिन्नी चढ़ी हुई है, साफ साफ नहीं दिख रहा। तो गाइस अब आ चुका है मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, तो उतारते हैं फिर से, मौका मिल रहा है हमें ऐसे सुर वाली पिन्नी उतारने का, जिसे करने में बड़ा मजा आता है। सही पकड़े हैं, बड़ी सेटिस्फाइड सी साउंड होती है इन पिन्नियों की एक्चुअली में। यस सर। ओ भाई साहब देखो गाइस, मेरा फोन भी दिख रहा है किस तरीके से मैं वीडियोस बनाता हूँ। इन्हें लगा के देखते हैं किस तरीके से मेरा फ्रिज देने वाले हैं और कैसा लगता है जब इसे हम लगाएंगे। चलो मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके का लुक आ रहा है। देखो गाइस मैंने अभी जमीन पर रख रखा है इसे और कुछ इस तरीके का मतलब लुक आ रहा है इसका, मिरर फिनिश आ रही। 31 पीसेस लगे हुए हैं यहाँ पे, तो 31 लगने के बाद काफ़ी छोटे हो गए पर, लेकिन गाइस एक्चुअली में जो इसकी फिनिश है मिरर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। ये देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनिश आ रही है और बढ़िया लग रहा है देखने में। बिल्कुल सजावट के अकॉर्डिंग मतलब घर में लगाओगे तो बहुत अलग अलग तरीके से इसके डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। अब गाइस इन्हें लगाने का भी एक तरीका नहीं, इन्हें लगाने के भी कई तरीके, जैसे इस तरीके से तुम आराम से भी लगा सकते हो इसे, इस तरीके से लगा सकते हो, इस तरीके से लगा सकते हो, इस तरीके से लगा सकते हो, जिस तरीके की तुम्हारी क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर है उस तरीके से तुम इन्हें फिट कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो अपनी दीवारों के ऊपर। तो देखो मैंने यहाँ पे 4 डिज़ाइन बनाए हुए हैं। चलो तो गाइस जब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने बाथरूम में लगा लिया। वैसे तो मैं कबड़ में लगाने वाला था पर लेकिन मैंने सोचा पहले बाथरूम में लगा दूँ, टाइल पे जिसमें मुझे उतारने में से आ नहीं रहा है, तो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया ताकि मैं आराम से उतार भी सकूँ टाइल पे से, कोई दिक्कत ना हो। तो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक आ रहा है इस मिरर के ऊपर, मतलब नॉर्मल मिरर जैसे ही लग रहा है, बिल्कुल कोई अलग नहीं लग रहा उससे। तो कबड़ पे लगाने के लिए दिखाना तो मुझे कबड़ पे लगा था पर लेकिन इस पे लगा दिया क्योंकि उतारनी है ना मुझे फिर बाद में। तो देखो बिल्कुल एक नंबर लग रहे हैं ऊपर से नीचे तक। तो गाइस मैंने तुम्हें ये दिखा तो दिया कि मतलब किस तरीके का, पर लेकिन मैं तुम्हें इसका डिसएडवांटेज भी बताता हूँ। तो गाइस में मेरा मुंह देखो कैसा, ये बांडा कभी बांडा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा, कभी मोटा हो जाएगा। मुंह देखो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई अनबॉक्सिंग तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर, एंड जब तक के लिए एज ऑलवेज डू व्हाटएवर यू वांट टू बी डू, बट डू दी गुड थिंग्स ओनली। सो बाय गाइस, मीट मी इन next video.